बेनिफिट्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जेटिक हीलिंग, आई थिंक ये तो अनगिनत होता है व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, एंड यू जस्ट फिल योर एंटायर वेसल. आप एक बर्तन हो, उस बर्तन को पूरे पॉजिटिविटी से जब भरते हो तो उसके बाद क्या बेनिफिट होता है वो तो बोलने की ही जरूरत नहीं है. यू विल मैनिफेस्ट इमीडिएटली. जो चाहिए वो मैनिफेस्टेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेनिफिट है क्योंकि आपके ऑरा में कोई छेद नहीं है, आपके हेल्थ रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आपके थिंकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू विल मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रिलेशनशिप में, आई मीन जहां पे भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वो सब थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लग जाता है बिकॉज हमारे चक्रास से जुड़े हुए हैं हर एक चीज. उसके बारे में, एक एक चक्रा के बारे में वी विल गो इनटू डीपर 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 इन दिस एंटायर सेशन. व्हाट आर चक्रास? सी, दिस इज द ऑरा, लाइक फटा हुआ एंड कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट्स हैं. दिस इज द फटा हुआ टॉर्न्ड ऑरा ऑफ अ स्ट्रेसफुल पर्सन, जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं या जो नॉर्मल, मतलब बेसिकली जो कोई ऐसी चीज नहीं करते हैं जिससे ये रिपेयर हो जाए, राइट? एंड द नेक्स्ट, द एंटायरली नरिश्ड ऑरा इज लाइक दिस. सो नाउ इट इज आवर चॉइस वेदर वी वॉन्ट अ नरिश्ड ऑरा और वी वॉन्ट अ टॉर्न ऑरा. So, what are chakras? Chakras are the energy centers which are connected with the etheric body. Etheric body is our aura. You can say like that. So, chakras distribute the vital force. आप जो भी बाहर से लेते हो, सांस, thoughts create करते हो, everything is पहले वहां से सेंस होता है. इट्स अ सेंसर बॉडी, कैन से चक्रास में सेंस होता है, फिर वो आपके ऑर्गन के अंदर जाता है, फिर वो फिजिकल बॉडी के अंदर जाता है थ्रू मेरिडियंस. मेरिडियंस आर नाडीज, लाइक एनर्जी वायर्स. नॉर्मल जो हमारे वायर्स होते हैं वैसा होता है एनर्जी वायर्स. इनर ऑरा नॉर्मली फॉर अ वेरी गुड पर्सन 5 inches तो होता ही है. उसकी थिकनेस भी अच्छी खासी होती है, जो अच्छे हेल्दी ओरा बोलते हैं, ठीक है. एंड आउटर ओरा वो बहुत दूर तक जाता है. आउटर ओरा इट कैन बी 2 foot लॉन्ग, इट कैन बी 3 foot लॉन्ग, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इवॉल्व्ड द पर्सन इज. और वही अगर कोई सिक पर्सन हो या कोई बार बार नेगेटिव इमोशंस को प्रैक्टिस करता हो, उसके लिए इट विल जस्ट ड्रूप. जहां इतना होना चाहिए हो रहा उसका इतना सा हो जाए बिकॉज उसके अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी है ही नहीं, राइट? सो विथ रेगुलर प्रैक्टिस व्हाट वी डू, सपोजिंग ये मेरा नाड़ी है, एक सिंपल सा नाड़ी जो बेसिक मूलाधार चक्र में जाता है. अगर ये फट गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, राइट, तो इसकी कनेक्शन कैसी हो जाएगी? नहीं होगी ना कनेक्शन ठीक से, तो चक्रा कैसे काम करेगा? फिर मूलाधार चक्रा अगर ढंग से नहीं काम कर रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? मैंने बहुत बार बोला है क्लास में, बोन्स प्रॉब्लम करता है, मसल्स प्रॉब्लम करता है, ब्लड प्रॉब्लम करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को प्रॉब्लम करता है, एनर्जी नहीं होगी, पैसे की कमी आ जाती है, लेजी होके बैठा रहता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, बीपी शूट अप हो जाता है, बहुत सारी चीजें, राइट? सो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बाय डूइंग और बाय प्रैक्टिसिंग एनर्जी हीलिंग. क्योंकि ये तो एनर्जी को ही पकड़ेगा ना. सपोजिंग जो जिस, अब मेरा एक्चुअली में अगर ये वायर खराब हो जाए तो मैं तो जाऊंगी दुकान में ही ना, क्योंकि वहीं से ये ठीक होगा. अब मैं ज्वेलरी शॉप के पास तो नहीं जाऊंगी इसको ठीक करने,
या कॉबलर के पास तो नहीं जाऊंगी इसको ठीक करने, जो जैसा टूटा हो उसी से तो ठीक करेंगे ना। वैसे ही हमारे अगर नाड़ीज में प्रॉब्लम हो जाए तो हमें वो करना ही पड़ेगा, लाइक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू रीवायर द एनर्जी नाड़ीज, जो ब्रेक हो गया उसको सही करना पड़ेगा, अगर सही होना है तो। हाय,